हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2001 हजार एक मैनिक्स पार्ट टू के बारे में उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में मेयर हमें बताता है कि 1864 में नॉर्थ अमेरिका के सोल्जर्स ने सिविल वॉर के चलते साउथ अमेरिका पर अटैक कर दिया और वहाँ के बच्चों और औरतों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरी एक आंख भी निकाल ली और प्लीजेंट वैली में रहने वाली ग्रैनी को भी जिंदा जलाने के बाद बाकी लोगों को भी मार दिया लेकिन ये चीज खत्म नहीं हुई क्योंकि जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेंगे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और क्योंकि हमारे प्लीजेंट वैली में 2001 लोगों को मारा गया था इसलिए हमें भी इतने ही लोगों को मारना होगा फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्लीजेंट वैली में उसी हत्याकांड की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी लेकिन अब तक उन लोगों को एक भी नॉर्थ अमेरिकन नहीं मिला था पर फिर वो लोग एक नॉर्थ अमेरिकन को पकड़ने में कामयाब हो गए जो की एक पुलिस ऑफिसर था और वो पिछले साल गायब हुए नॉर्थ अमेरिकन लोगो को ढूंढने के लिए आया था और क्योंकि उसे शक था कि मेयर और उसके टाउन के लोगों ने ही नॉर्थ अमेरिकन को गायब किया है इसलिए वो मेयर को धमकी देता है कि मुझे यहाँ से किसी के भी मरने या गायब होने की खबर नहीं मिलनी चाहिए इस बात पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक लकड़ी के टैंक के अंदर डालकर उसमें बहुत बड़ी बड़ी कीले घुसा देते हैं जिसके बाद उस टैंक को बंद करके लुड़का दिया जाता है जिस वजह से पुलिस ऑफिसर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है ये देखकर मेयर बहुत खुश होता है फिर वो लोग अपना ठिकाना बदलने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ के पुलिस ऑफिसर को मार दिया था नेक्स्ट सीन में हम एक छोटे से शो के एक्टर्स को देखते हैं जो अपने डायरेक्टर के साथ शूटिंग के लिए जा रहे थे लेकिन जिस बस से वो लोग ट्रेवल कर रहे थे उस बस के ड्राइवर का ध्यान भटकने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिस बात से प्रोड्यूसर ड्राइवर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था इसलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं फिर अगली सुबह उनके पास मेयर अपने टाउन के लोगों के साथ पहुंच जाता है क्योंकि वो भी कैंप लगाकर वहीं पर रह रहा था और वो शो में काम करने वाले सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हो और क्योंकि टाउन की सभी लड़कियां शो में मौजूद लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है इसलिए प्रोड्यूसर वहाँ से जाने का प्लान बनाती है लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेयर और उसके साथ मौजूद लोग जॉर्जिया से हैं तो वो काफी हैरान होती है क्योंकि उसका शो जॉर्जिया के आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर ही था इसलिए वो टाउन के लोगों के साथ शूट करने का फैसला करती है और क्योंकि अब तक मेयर और टाउन के लोगों को इस तरह से लोगों को मारते हुए 140 साल बीत चुके थे लेकिन इसके बावजूद वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे जिस बात से मेयर काफी गुस्सा था और उसे लगता है कि वो पूरे नॉर्थ को आग लगाकर जला दे पर ऐसा करने से उनकी परंपरा पूरी नहीं होगी और उन लोगों की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी इसलिए मेयर अपने बच्चों को नॉर्थ से आए हुए लोगों को मारने के लिए कहता है जिसके बाद हम से आए बस ड्राइवर को देखते हैं जो टाउन की दो लड़कियों को कैम्प की रस्सी खींचते हुए देखता है तो उनकी मदद के लिए पहुंचता है इस दौरान उसके साथ उसकी साथ ही ब्रिस्टल भी मौजूद होती है लेकिन ड्राइवर जब टाउन की दोनों लड़कियों को एक दूसरे के इतने करीब देखता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और गलती से रस्सी को छोड़ देता है जिससे वहां पर मौजूद उसकी साथ ही ब्रिस्टल को चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है जब ड्राइवर को इस बात का ध्यान आता है तो वो ब्रिस्टल को लेकर टाउन के ही एक डॉक्टर के पास पहुंचता है जो ड्राइवर से ब्रिस्टल को वहां पर मौजूद एक अजीब से टेबल पर रखने के लिए कहता है हालांकि ड्राइवर वहीं पर रुकना चाहता था लेकिन नर्स उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके जाने के बाद डॉक्टर और नर्स मिलकर ब्रिस्टल को टेबल से बांध देती है तभी ब्रिस्टल को होश आ जाता है और वो देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं फिर डॉक्टर एक बहुत ही नुकीले स्पेयर से ब्रिस्टल की बॉडी को दो टुकड़ों में बांट देता है दूसरी तरफ ड्राइवर अपने बाकी साथियों के पास पहुँचता है तो डायरेक्टर उसे अकेला देख काफी हैरान होता है और ब्रिस्टल के बारे में भी पूछता है तो वो बताता है की उसकी तबियत कुछ ठीक नहीं है इसलिए वो डॉक्टर के पास है थोड़ी देर में वापस आ जाएगी ये सुनकर डायरेक्टर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने उसे अकेले एक डॉक्टर के पास छोड़ दिया इसी वजह से डायरेक्टर अपनी टीम के केजे नाम के एक लड़के को उसे वापस लाने के लिए कहता है और जब केजे उसे ढूंढते हुए एक टेंट में पहुंचता है तो वहां पर टाउन की लड़कियां उसे घेर कर चकमा देकर चेयर पर बांध देती है तभी वहाँ पर ग्रैनी भी आ जाती है जो उससे कहती है कि क्या कभी तुमने पुराने तरीके से फोटो खिंचवाई है क्योंकि हम यहाँ पर वैसी ही तस्वीरें निकालते हैं तो वो भी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन जैसे ही टाउन की लड़की हैंडल घुमाती है चेयर पर बंधे हुए केजे को बहुत ही बुरी तरीके से करंट लगने लगता है और वो देखते ही देखते बेरहमी से जलकर मारा जाता है ये देखकर मेयर और ग्रैनी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं दूसरी तरफ केजे और ब्रिस्टल के वापस न लौटने की वजह से टीम के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इसलिए प्रोड्यूसर उन सभी लोगों को पता लगाने के लिए भेजता है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी तभी वहाँ पर मेहर टाउन के लोगों के साथ पहुँच जाता है जो उन लोगों की हेल्प करने का वादा भी करता है लेकिन उससे पहले वो टीम के लोगों से होने वाले फंक्शन में शामिल होने के लिए कहता है तो वो सभी तैयार भी हो जाते हैं फिर फंक्शन के दौरान टीम के एक लड़के को स्टेज पर बुलाकर धोखे से गायब कर दिया जाता जो कि एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे टाउन का एक लड़का मिलता है जो उस लड़के के कुछ समझने से पहले ही उसकी बॉडी को तोड़कर उसका दिल निकाल कर खाने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा घिनौना मंजर था इधर स्टेज पर ग्रहणी टाउन की बाकी लड़कियों के साथ डांस करते हुए गाने के थ्रू ये बता रही होती है कि टाउन के सभी लोग कैनिबल हैं और ये बात बिल्कुल सच है इसलिए यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता लेकिन टीम के लोग इस बात को इग्नोर करते हुए उन लोगों के साथ डांस करने लगते हैं फिर स्टेज पर मेयर पहुँचता है जो स्टेज पर हार्पर को बुलाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वो डॉक्टर ही था फिर हार पर स्टेज पर आते ही डायरेक्टर को इनवाइट करता है और बदले में उसे पचास हजार डॉलर देने का वादा भी करता है ये सुनकर डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसके पास पहुंच जाता है फिर स्टेज पर उसे रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है और उसके मुंह में एक शिगार लगा दी जाती है जिस पर, पर गन से शूट करता है लेकिन उस सिगार के अंदर मौजूद एक्सप्लोजन होता है जिसके ब्लास्ट होते ही डायरेक्टर के सर के चितड़े चिथड़े हो जाते हैं ये देख बाकी लोग वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन पर भी हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया जाता है फिर जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं जिन्हें मेयर पास्ट के बारे में बताता है कि 1864 में हम अपनी एक आम जिंदगी जी रहे थे लेकिन तुम नॉर्थ के लोगों ने हम पर अटैक करके हमें मार दिया क्योंकि उस दौरान हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे लेकिन अब समय बदल चुका है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये सुनकर टीम के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उस घटना को वे 140 साल बीत चुके थे फिर ये लोग जिंदा कैसे हैं? जिसके बाद टाउन के सभी लोग दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने टीम के लोगों को बेरहमी से मार कर अपने खाने के लिए सजा रखा है इस दौरान हम देखते हैं कि उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है इसे देख कर टीम के लोग काफी घबरा जाते हैं जिसके बाद उन लोगों को वहीं पर छोड़ भी दिया जाता है फिर टाउन के सभी लोग डिनर करने लगते हैं इस दौरान हम देखते हैं कि वो इंसानों को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रहे हैं, और उन्हें इस चीज में बहुत ही ज्यादा स्वाद भी आ रहा है इस दौरान हार पर पूछता है कि अभी हमें आत्मा की शांति पाने के लिए कितने नॉर्थ के लोगों को मारना होगा तो मेयर के टोटल करने पर उन्हें पता चलता है कि अभी तक उनकी संख्या आधी भी पूरी नहीं हुई है ये सुनकर हिली बिली कहता है कि इसका मतलब हमें फिर से अगले साल यही करना पड़ेगा फिर हम ड्राइवर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाकी लोगों को छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करता है दूसरी तो तरफ हिली बिली और उसका एक साथ टीम के एक लड़के के शरीर को काट कर नोच नोच कर खा रहे थे फिर हमें ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड की झलक दिखाई जाती है जो बस खराब होने की वजह से अलग होकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं जिससे उनमें से अगर किसी एक की भी जान बच जाए तो वो हेल्प लाकर बाकी लोगों को भी बचा सके जिसके बाद ड्राइवर टाउन के लोगों से छुपने के लिए एक पेड़ पर लटका हुआ होता है तभी उसे हिली बिली देख लेता है और उस पर गुलेल से अटैक कर देता है जिस वजह से ड्राइवर नीचे रखे हुए फॉक पर गिर जाता है और बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है इधर ड्राइवर की गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लिया जाता है जिसके बाद हम प्रोड्यूसर को देखते हैं जिसके पास टाउन की एक लड़की पहुंचती है और अपने शरीर पर बंधे हुए एक टूल से उसके मुंह की पूरी चमड़ी को बहुत ही बेरहमी से निकाल देती है जिससे वो भी वहीं पर मारी जाती है फिर टीम की बची हुई दोनों लड़कियों को देखते हैं जो भागते हुए बस के पास पहुंचती हैं, तो वहां पर उन्हें ड्राइवर मिलता है जो फॉक लगने के बाद भी जिंदा था फिर वो उन दोनों लड़कियों की हेल्प से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तभी उन्हें टाउन के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं इसलिए ड्राइवर फोक लेकर मेयर का सामना करने लगता है और अटैक करके मेयर की फूटी हुई आंख में दोबारा से फोक डाल देता है जिससे वो घायल हो जाता है तो इस मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने लगता है तभी गाड़ी स्टार्ट होते ही मेयर ड्राइवर के पास पहुँच बस का बॉक्स बंद कर देता है जिससे ड्राइवर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है फिर टाउन के सभी लोग बस पर अटैक करने लगते हैं लेकिन टीम की दोनों लड़कियां बस लेकर आगे बढ़ जाती हैं और वहां से दूसरे रास्ते में रुकने के बाद लड़ने भी लगती हैं तभी हिली बिली इन दोनों पर भी गाड़ी चला उन्हें बहुत ही बेरहमी से कुचल देता है इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग